हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने फ़ोन में होम स्क्रीन से किसी भी एप्लीकेशन को कैसे हाइड करके रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें अपने होम स्क्रीन से किसी भी एप्लीकेशन को हटा देना है, छुपा कर रखना है, दोस्तों आप उसे कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, अगर आपको होम स्क्रीन से कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करके रखना है तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर आप अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करके बड़े ही आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, फ़ोन के सेटिंग को ऑन कर लेना है। फ़ोन के सेटिंग को ऑन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ऑन हो चुका है। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का। दोस्तों इसमें आपको चले जाना है। ऐप्स में जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन नीचे में है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे ऐप लॉक वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ऐप लॉक ऑन करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो कैमरा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ब्लैक हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए सॉरी। दोस्तों यहाँ पे ऐप लॉक ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने जो पासवर्ड सेट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर लेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन होगा यहां पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है, ऊपर में आपको हिडन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक बार दोस्तों हमें यहां पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन को हाइड करना है सिंपली आप यहां से चूज़ कर लेंगे, उस एप्लीकेशन को चूज़ कर लेंगे। दोस्तों यहां पे जैसा कि फ़ोन पे एप्लीकेशन है, मैं इसे हाइड करके रखना चाहता हूं, तो हमें क्या करना है, एक बार इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इस पर एक बार टिक करेंगे दोस्तों ये ब्लू टिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर चले जाएँगे। डायरेक्टली यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर होम वाले बटन पर क्लिक करना है। होम वाले बटन पे क्लिक करके हमें बीच में वापस आ जाना है होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा फ़ोन पे एप्लीकेशन नज़र ही नहीं आ रहा है, यहाँ से होम स्क्रीन से गायब हो चुका है। सिंपली दोस्तों मैं एक और एप्लीकेशन को हाइड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरा टेलीग्राम है, तो मैं इसे टेलीग्राम को भी हाइड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इसी तरीके से मैं अपना अमेज़ॉन को भी हाइड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। सिंपली मैं उसे बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है वो पासवर्ड टाइप कर लेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे अपना पहला टेलीग्राम को हाइड करता हूँ। टेलीग्राम को हाइड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अमेज़ॉन में अपना हाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अमेज़ॉन को ऑन कर दिया। अमेज़ॉन ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपने होम स्क्रीन वाले बटन पर क्लिक करके होम स्क्रीन पे चला आता हूँ। होम स्क्रीन आने पे यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा अमेज़ॉन था, यहाँ से अमेज़ॉन हाइड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन जो भी हाइड किया था, दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो अमेज़ॉन है यहाँ से हाइड हो चुका है, मेरा जो टेलीग्राम था वो भी हाइड हो चुका है। दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन को इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर से अनहाइड करना है, उसे वापस लाना है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, फिर से सेटिंग को ऑन कर लेना है। सेटिंग को ऑन करेंगे तो दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे हिडन वाले पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हिडन ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपने जो भी एप्लीकेशन को हाइड किया है यहाँ पे इस तरीके से ऊपर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 एप्लीकेशन को अभी हाइड किया था, अब इसे वापस अनहाइड करना है, तो एक बार फिर से इसे एक बार यहाँ पे इनेबल वाले ऑप्शन पे ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लू टिक हट चुका है, तो मेरा जो एप्लीकेशन है अनहाइड हो चुका है। दोस्तों इसी तरीके हम अपने फोन के होम स्क्रीन पे चले आएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख पाएंगे जो एप्लीकेशन मैंने हाइड किया था वो वापस आ चुका है। यहां पे आप देख पा रहे हैं टेलीग्राम यहां पे आ चुका है, फोन पे और अमेज़ॉन।
दोस्तों आप इस तरीके से फोन में किसी भी एप्लीकेशन को होम स्क्रीन से हाइड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों मिलते हैं इस तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।